मॉर्निंग एवरी वन. बज रहे हैं 8:30 एंड विकी इज इन जिम. वो सुबह मेरे से जल्दी उठता है, वो 7 o'clock पे उठता है एंड देन 7:30 to 7:45 वो जिम जाता है एंड देन 9 o'clock तक वो घर वापस आता है. तब तक मैं अपने सारे काम कंप्लीट करती हूँ, छोटे मोटे जो होते हैं योगा वगैरह के एंड ऑल दैट. और मैं हफ्ते में मैं डेली योगा नहीं करती हूँ, मैं हफ्ते में 3 दिन योगा करती हूँ. जैसे आज मेरी डांस क्लास है, आज मुझे डांस सिखाना होता है तो मैं ऑलरेडी उसमें वार्म अप्स और काफ़ी कुछ मेरा हो जाता है फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पर. तो मैं अलग अलग डेज योगा करती हूँ, मैं डेली योगा नहीं करती हूँ. तो आज मेरा दिन नहीं है योगा का. तो येस, एंड सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक जेस्ट मनी. ब्रांड पार्टनर्स फॉर दिस वीडियो इज जेस्ट मनी. अब मैं आती हूँ जेस्ट मनी पे. तो बेसिकली जेस्ट मनी क्या है? तो जेस्ट मनी एक तरह का डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म है. ये करता क्या है मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड इजी वर्ड्स में बताती हूँ. ये विदाउट क्रेडिट कार्ड आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. नाउ कमिंग टू द जीरो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ. सपोज आपने कोई चीज आपको चाहिए 7-8 हज़ार की या 10 हज़ार की, मान लो आपको एक छोटी सी वॉशिंग मशीन चाहिए या आपको फ्रिज चाहिए या आपको माइक्रोवेव चाहिए या जिसका प्राइस है 10,000, हम मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं. अभी आपके पास बजट कांस्टेंट है और आप वो 10,000 रुपए इकट्ठा खर्च नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो आप क्या कर सकते हो, उस 10,000 को आप पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स को डिवाइड कर दीजिए. तो आप इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है. मतलब अगर आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा है तो वो ईएमआई के बाद भी आपको 10,000 का ही पड़ेगा, आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा. जेस्ट मनी के जो पार्टनर ब्रांड्स हैं वो हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, देन मेक माई ट्रिप. इस तरह से उनके 3,000 से भी ज्यादा ब्रांड पार्टनर्स हैं. तो वो आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी. क्योंकि अभी विमेंस डे आने वाला है तो जेस्ट मनी में आई इवॉल्व सेल चल रही है. इसमें अगर आप 3,000 तक की शॉपिंग करते हैं, मतलब मिनिमम आपको 3,000 का बजट तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, तो आपको अप टू 1,500 रुपए का कैशबैक मिलेगा. और ये जो सेल है ये 8 मार्च तक ही वैलिड है. तो उससे पहले आप एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करके चेक जरूर करना. आपको इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना होता है. कुछ उनकी केवाईसी वगैरह होती है, उसको फिल करना होता है. तो जब आप चेकआउट कर रहे होंगे तो आपको जेस्ट मनी ईएमआई अंडर कार्डलेस ईएमआई का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा एंड दैट्स इट. और आपका सब हो जाएगा. एंड जैसे हम नॉर्मल एप्स को डाउनलोड करके उसमें फिल इन करते हैं अपनी डिटेल्स, ऐसे ही आपको फिल इन करनी है. और अब मैं फटाक से जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाने के लिए, अदरवाइज मैं लेट होंगी. तो मैं लंच बनाऊंगी एंड उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं. Thank you.
तुषार और मैंने आज अपना हेयर वॉश किया है। मंडे को यूजुअली मैं हेयर वॉश करती हूँ, मैं संडे नहीं करती हूँ बिकॉज मंडे यूजुअली मेरा वीडियो शूटिंग का डे होता है और वीडियो शूटिंग में यू नो मुझे हेयर वॉश करना होता है। एंड अभी मैंने कुछ नहीं किया अपने फेस पे, सिर्फ फेस वॉश यूज किया है। तो मैंने जो फेस वॉश यूज किया है वो है ये प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट डाला था दैट आई एम लविंग दिस फेस वॉश। मुझे ये ब्रांड कोलैबोरेशन में आया था और उसके बाद से मैं इसको यूज कर रही हूँ और मैंने दो और मंगवाए हैं एक्स्ट्रा अपने खुद के पैसे देकर के, क्योंकि मुझे ये इतना ज्यादा पसंद आया है। और मैं सुबह शाम जब भी फेस वॉश यूज करती हूँ मैं ये वाला जो फेस क्लेंजिंग ब्रश है ये यूज करती हूँ। दिस इज फोरियो लूना 2 फेस क्लेंजिंग ब्रश। इसके अलग अलग वेरियंट्स अवेलेबल है। मेरी स्किन इज सेंसिटिव स्किन, तो सेंसिटिव स्किन के लिए अलग है, ड्राई स्किन के लिए अलग है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग है, तो अलग अलग वेरियंट्स में आता है। बट ये जो पर्पल वाला है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सेंसिटिव स्किन। अभी जो मेरा स्किन केयर है मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई एक पर्टिकुलर स्किन केयर प्रोडक्ट ने मेरी स्किन को चेंज कर दिया है। ये जितनी भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर मी, मतलब मैं इसमें से एक भी प्रोडक्ट को मिस नहीं करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले अपना टोनर यूज करती हूँ। तो जो मैं टोनर यूज कर रही हूँ दिस वन इज द टोनर और ये जो कॉटन पैड्स है मेरे पास दिस इज रीयूजेबल कॉटन पैड्स। ये कॉटन पैड्स को मैं फेंकती नहीं हूँ, इन्हीं को यूज करती हूँ बार बार। ये वॉशेबल है और एकदम से फ्रेश हो जाती है, वापस से आप इसको रीयूज कर सकते हो। तो इस तरह की कॉटन पैड्स अमेजन पे अवेलेबल है जिनको बैम्बू कॉटन पैड्स कहा जाता है। एंड फॉर माई मॉइस्चराइजर आई एम करंटली यूजिंग दिस वन। इसके अलावा ये आप देख सकते हो काफी खाली हो गया है, ये मैं काफी दिन से यूज कर रही हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये दिस इज वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल पानी की तरह है, आपकी स्किन पे लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया है। ये ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा है। एंड अगर मैं ये यूज नहीं करती हूँ तो मैं यूजुअली ये वाला प्रोडक्ट यूज करती हूँ जो कि है एपिसॉफ्ट। और अभी यहाँ पर मैंने सनस्क्रीन यूज करी है तो आई हैव यूज दिस वन, अभी मेरे को डर्मा ने सजेस्ट किया था तो मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज करती हूँ। दैट्स इट, यही मेरा स्किन केयर रूटीन है। ओके तो मैं अभी आपको बताती हूँ मेरे जितने भी फेस मास्क हैं जो कि मैंने सब यहाँ रखे हुए हैं और क्योंकि मैं कहीं भी अंदर अपने ड्रेसिंग में रख देती हूँ, ड्रेसिंग टेबल में रख जाती हूँ, मैं लिटरली भूल जाती हूँ कि ये मुझे अपने स्किन पे लगाना है। तो जितने भी फेस मास्क हैं वो सब मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो एक तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का बाय ये नीम फेस मास्क। जब भी मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे थोड़े से एक्ने हो रहे हैं एंड आई नीड थोड़ा कुछ प्योरीफाई जैसा छोटे 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 बम्स हो रहे हैं तब मैं इसको यूज करती हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ब्राइटनिंग टाइप का इफेक्ट चाहिए और थोड़ा ग्लो चाहिए या मुझे कहीं जाना होता है तब मैं ये O3 का डी टैन पैक यूज करती हूँ और मुझे लगता है मेरी स्किन पे टैनिंग है तब ये मैं यूज करती हूँ। कामा का निमराह एंटी एक्ने फेस पैक, ये मैं तब ये पूरे फेस पे मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ चंदन में मिला के इसको पूरे फेस पे तब यूज करती हूँ जब सीवियर एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, अगर मुझे यूज करना होता है। ये मेरे पास लास्ट ईयर का रखा हुआ है, मैंने अभी तक नया परचेस नहीं किया है, तब से चल रहा है मेरे पास। नेस्फ्री का सुपर वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क। लगता है कि मेरे पोर्स ज्यादा बड़े हो रहे हैं और मुझे कहीं शादी पार्टी में जाना है एंड आई हैव टू अप्लाई मेकअप, उससे पहले मैं ये यूज करती हूँ, ऐसे डेली या हर वीकली यूज नहीं करती हूँ। ये मेरा स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग का। एंड क्योंकि मेरा अभी शूट डे है तो मुझे अभी मेकअप करना है, अपने बाल सेट करना है और वीडियो शूट करना है। मेरे डेज होते हैं, आज मेरा एडिटिंग डे नहीं है, कल फिर मैं सुबह से लेकर रात तक एडिटिंग करूंगी। Guys, I'm done with the video shooting and I'm extremely tired. मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है एंड बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। I'm just waiting for Vicky और अभी मुझे सिर्फ डिनर चाहिए। नाइट रूटीन तो आज कुछ हुआ ही नहीं मेरा, मैं सिर्फ वीडियोज ही शूट कर रही थी। एंड येस दैट्स इट फॉर माई वीडियो एंड दिस इज नॉट द सेम, यू नो ये हमेशा ऐसा मेरा रूटीन नहीं होता है। मेरे हर दिन रूटीन्स अलग अलग होते हैं, मंडे अलग होता है, फ्राइडे रूटीन्स अलग होते हैं, सैटरडे संडे रूटीन्स अलग होता है, वेनसडे ट्यूजडे सब रूटीन्स मेरे अलग होते हैं। किसी दिन ज़्यादा वीडियो शूट करती हूँ, कभी कभी मैं बिल्कुल वीडियो शूट नहीं करती हूँ। सो यू नो अलग अलग रूटीन्स रहते हैं। तो आज दिस इज नॉट द रूटीन जो मैं हमेशा स्टिक रहती हूँ, ये वैसा रूटीन नहीं था। That's it and I hope you really like this video. If you do so then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below and I'll meet you in my next video. Till then bye.